हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड वी आर बैक विद अ न्यू एंड ब्रांड न्यू टॉपिक ऑन साइंस। सो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ सब्सक्राइब टू द पीपल इन साइंस एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ जेनेटिक चेंजेस पावर H5N1 वायरस स्प्रेड सेवेरिटी इन एनिमल्स। रिसेंटली में पब्लिश एक स्टडी में पाया गया कि H5N1 वायरस क्लैड 2.3.4.4b जो फरवरी 2022 तक 30 कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स के एरियाज में वाइल्ड बर्ड्स के बीच सर्कुलेटिंग फैल गया था। सर्कुलेटिंग वायरस के साथ री असॉर्टमेंट के मीडियम से जीन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को कलेक्ट किया जो कि नॉर्थ अमेरिका की वाइल्ड बर्ड्स में से है। री असॉर्टमेंट ए H5N1 वायरस जीनोटाइपिकली और फेनोटाइपिकली फॉर्म से डिफरेंट है, जिनमें कई सीवियर डिसीज कॉज करके ड्रामेटिक न्यूरोलॉजिक इन्वॉल्वमेंट मैमल्स में पैदा करते हैं। वायरस विट्रो कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्रीज हुई वायरस रेप्लिकेशन रेट्स और मैमेलियन एनिमल मॉडल में ड्रामेटिक न्यूरोलॉजिक इन्वॉल्वमेंट के साथ सीवियर डिसीज के आउटकम्स जनरेट करने की एबिलिटी इंक्लूडेड है। जनरल नेचर कम्युनिकेशंस में पब्लिश एक स्टडी में कहा गया है कि वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है। दिसंबर 2021 में ईस्टर्न कनाडा में पोल्ट्री और एक गल में H5N1 वायरस पाए गए। यह 2021 के स्प्रिंग में यूरोपियन यूनियन में पहचाने गए 2.3.4.4b वायरस से क्लोजली रिलेटेड था। इसके तुरंत बाद इसने अमेरिका में सेवरल स्टेट्स में वाइल्ड बर्ड्स को फैला दिया। WHO अपडेट सितंबर 2021 टू फरवरी 2022 के अनुसार 2.3.4.4b वायरस क्लैड ने ह्यूमंस में 26 सीक्वेंस का रीजन बना था। चीन में AH5N6 सीक्वेंस के 25 केसेस और UK में AH5N1 का एक केस। यह इन वायरसेस की जूनॉटिक ट्रांसमिसिबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करता था। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की रिपोर्ट नहीं मिली है। एक बार वायरस कुछ म्यूटेशन कलेक्ट कर लेता है तो ह्यूमंस में कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन का ग्रेव रिस्क होता है। AH5N1 क्ले 2.3.4.4 वायरस ओरिजिनली नॉर्थ अमेरिका में 2014 टू 2015 में एवियन स्पीसीज के बीच पहचाना गया था और डिसअपियर हो गया था। यह क्लैड करंट 1.2.3.4.4b की तरह रीअसॉर्टेड किया गया था। डिटेक्शन करने के सून आफ्टर हाउवर रीअसॉर्टमेंट ममेलियन पैथोजेनिसिटी में चेंजेस से एसोसिएटेड नहीं था। इसके अपोजिट अब सर्कुलेशन में क्लैड ने ममेलियंस मॉडल में न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट के साथ वायरस को एनहेंस किया है। डिफरेंट टाइप्स के लैंड ममेलियंस को इन्फेक्ट करने से पहले वायरस स्टार्टिंग में अमेरिका में एक्वेटिक मैमल्स में फैल गया था। वायरस के न्यूअर स्ट्रेन में डिसीज कॉज करने की हायर प्रोपेंसिटी है मैमल्स के लिए, लेकिन करंट में यह ह्यूमंस के लिए लो रिस्क वाला है। इसका रीज़न यह है कि वायरस मैमल्स के बजाय बर्ड्स के बीच स्प्रेड के लिए बेटर फॉर्म से अडेप्टेड अपीयर होता है। उनका डेटा इस बात पर लाइट देता है कि एक नेचुरल सिस्टम में चीज़ें कितनी जल्दी चेंज हो सकती हैं और आगे AH5N1 रीअसॉर्टमेंट और फेनोटाइपिक डाइवर्सिफिकेशन प्रोबेबिलिटी केवल इन वायरसेस के अनप्रेसिडेंटेड
ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में बढ़ेगी, ऐसा रिसर्चर्स लिखते हैं। तो अभी के लिए इस टॉपिक पर इतना ही गाइस, और इसका सेकंड पार्ट इसके वीडियो के बाद हम डालेंगे। तो आरिगातो गुज़ाइमस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनरा।